हेलो नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स वाचिंग सी लाइव इंटरैक्टिव सेशन दिस इज सिमरन सिंह एंड यू हैव ऑल कनेक्टेड विद अस थ्रू ई विद्या चैनल नंबर टेन एंडाड दिस व्यूअर्स वी हैव सो मेनी डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच यू ऑल कैन पार्टिसिपेट एंड यू कैन कनेक्ट इन आर लाइव सेशन एंड वन ऑफ दैम इज़ आवर यूट्यूब चैनल दैट्स एन ऑफिशियल और अगले आधे घंटे के लिए अपने सभी दर्शकों के लिए हम सोशल साइंस का सत्र लेकर आए हैं दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर और आज का हम एक बेहतरीन विषय चुनकर लेकर आए हैं आप सभी के लिए शीर्षक है ग्लोबलाइजेशन सो स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू इन फ्रॉम दिस टर्म एंड हु डोंट डोंट वरी बिकॉज आफ्टर दिस से प्रोबैमली यूल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर मैनर एंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग यू टू द एक्सपर्ट टू द गेस्ट फॉर टू सेशन सेयर इज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया ज्यूम द जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी And will convene the G twenty Leaders Summit for the first time in the country in the year. That's 2023. The nation is deeply committed to democracy and multilateralism. India's G twenty presidency is a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding a global pragmatic solutions for the well being of everyone. And in doing so, manifesting the true spirit of Vasudhev Kutumbakam or should i say the world is one family so let me introduce you to the expert for today's session ms sandhya Arora. namaskar ma'am namaskar ma'am we welcome you said vasudev kutumbakam <laughs> ji ha is one family and that's what globalization is about Alright, <laughs> so we will be discussing at length about globalization. Let me introduce you to all our viewers. Uh, she's she serving as academic coordinator at manav rachna International School, Sector 46, gurgaon And our viewers in this live session, if you have any of the queries, anything you feel like asking us or sharing with us, then here is a contact number that's flashing on your screens. So be number your screen per number eight eight zero zero four four zero five five nine. और हमारे सभी दसवीं के छात्र छात्राओं के लिए आपकी आधिकारिक मेल आई डी हमारी स्क्रीन पर डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन सो लेट्स अंडरस्टैंड एट लेंथ वट ग्लोबलाइजेशन इन कॉपरेज वट इज इट ऑल अबाउट तो मैम आप हमें बताएं सबसे पहले तो कि आज हम जी. क्या सीखने वाले हैं इस सत्र के अंतर्गत जी मैम टू स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट विद रियल लाइफ वर्ल्ड एंड ऑन स्क्रीन वी हैव गॉट सम न्यूज आइटम्स डू चेक इट बिल्कुल तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ जैसे टाटा मोटर्स ने अक्वा एंड लैंड रोवर एंड दिस वाज डन इन 2008 एप्पल आईफोन असेंबल किया न्यू प्लांट इंडिया में कर्नाटका hmm. में आ चुका लैंड लिया है बैंगलोर में एंड फर्दर वी हैव सर्टेन मोर प्लान्स गोइंग ऑन देन इंडिया यू एस ने सीक किया टू वर्क टूगेदर इन नीज टेक्नोलॉजीज एज न्यू डेली लुक्स एट आत्मनिर्भर दिस इज न्यूज पब्लिश इन टाइम्स नाउ ऑन जून फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो मैम जो सो आपने बिल्कुल पहला एग्जांपल दिया है जी ठीक है मैं चाहूँगी पहले तो आप उसे विस्तार से समझाएं फिर उससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी मेरे जहन में है डेफिनेटली सी टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया वी टिल नाउ टाटा मोटर्स के ओनर गए थे फोर्ड के पास में अपनी कार्स को जॉइंट uh, वेंचर uh, में लेके जाने के लिए वहाँ पे uh, uh, एक डील करने के लिए बट नाइन ईयर्स लेटर टाटा मोटर्स ने जैकवार एंड लैंड रोवर को टेक uh, ओवर किया एंड वहाँ जाने का मेजर पर्पज़ वॉज कोई भी कंपनी इनफैक्ट नॉट जस्ट टाटा कोई भी कंपनी दूसरी कंट्री में जाके नया गुड्स प्रोड्यूस करती है जब तक उनका खुद का फायदा नहीं होगा क्यों करेंगे हेंस फॉरेन ट्रांजैक्शंस कंपनीज दूसरी कंट्रीज के अंदर में सामान बनाती है दूसरी कंट्रीज़ में जाके सामान बेचती है और वो बेचने के लिए कोई भी कंज्यूमर जब तक उसका खुद का फायदा नहीं hmm. होगा तब तक वो नया सामान नहीं खरीदेगा नाउ इफ़ यू टॉक इन लेंथ प्रोड्यूसर से फॉर एग्जाम्पल टाटाज एज वेल दे आर गोइंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ जाकर या कहीं पे भी इनफैक्ट एप्पल्स ने इंडिया में सामान बनाया या कोई भी कंपनी कोई भी नया एंटरप्राइज रन किया जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज अपने फायदे के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए मार्केट इंक्रीज करने के लिए गुडविल अर्न करने के लिए नई जगह पे जाते हैं नई कंट्रीज में एंटर करते हैं सिमिलरली हमें एज अ कंज्यूमर वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं अगर हम दूसरी कंट्रीज की बनाई हुई सामान को इंपोर्ट करते हैं या दूसरी कोई कंट्री हमारी कंट्री में आके सामान को प्रोड्यूस करती है तो एक वक्त था जब वी एंड एम्बेसडर सिर्फ दो गाड़िया कंट्री में अवेलेबल हुआ करती थी प्रेजेंटली देर आर एन नंबर ऑफ कार्स विच आर रनिंग ऑन द रोड्स राइट नाउ ये वैरायटी वाइट चॉइस हमें एज इंडियन कंज्यूमर तब मिली जब हिंदुस्तान ने इंडिया ने अपने गेट्स ओपन किए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इसी बारे में बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड और जैसे मैम टाटा मोटर्स तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जी और फिर जब हम जागुआर लैंड रोवर की बात करते हैं तो ये भी एक प्रीमियम कंपनी है जी तो ऐसे में टाटा मोटर्स ने पर्टिकुलरली इसी कंपनी को क्यों ओवरटेक किया मैम प्रोफिटेबिलिटी देर इज सेल्स एक्सपेंशन का डेफिनेट मोटिव जी सो so बेसिकली यूरोप में जब एक कंपनी को टेक ओवर किया गया hmm. तो वहाँ से डेफिनेटली टाटास को कुछ बेनिफिट दिख रहा था उनका सेल्स एक्सपेंड हो रहा था उनका जो कार्स बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था वो बेटर हो रहा था हेंस इसलिए टाटा मोटर्स ने वहाँ से एक्वायर किया नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड इज़ क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोड्यूसर्स एज वेल एज फॉर कंज्यूमर्स राइट नाउ से फॉरन इंटीग्रेशन बेनिफिट करता है कंज्यूमर्स hmm. को क्योंकि वाइड चॉइस मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज का एज वेल एज लो प्राइज में ज़्यादा बेहतर सामान मिलता है तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो जहाँ उन्होंने गुड्स को सेल करना है दूसरी कंट्री में और जहाँ वो प्रोड्यूस किया हुआ सामान बेचना चाह रहे हैं उस जगह पे जाके इस चीज को सामान को प्रोड्यूस करते हैं एंड सेल करते हैं राइट देन वी हैव मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अभी बात की हमने मल्टीनेशनल hmm. कंपनी वो कंपनी होती है जो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है और ये क्यों करेगी मतलब बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी कंट्री में गुड जाके क्यों बनाएगी या तो उन्हें बेहतर कॉस्ट मिल रहा है कॉस्ट hmm. कम हो रहा है या फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मल्टीनेशनल कंपनी को बेसिक फ़ायदा होता है जब वो ऐसी जगह पे जाके सामान बनाते हैं जो उनकी मार्केट के क्लोज हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन का लॉजिस्टिकली उनका कॉस्ट कम हो जाए या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल होता है प्लेंटी में होता है ना इंडिया में इंजीनियर्स डॉक्टर्स एक्सेट्रा स्किल्ड लेबर अवेलेबल है एट चीपर कॉस्ट इवन अनस्किल्ड लेबर भी अवेलेबल है चीपर कॉस्ट पे तो ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास में स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अबंडली अवेलेबल है एट लोअर कॉस्ट देन वी हैव जहाँ रेस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हो नाउ इफ़ आई कैन रिकॉल फ्रॉम ग्रेड नाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में चार हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज नाउ लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जिसको नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट ह्यूमन बींग को दिया देन वी हैव लेबर लेबर इज़ मेंटल एंड फिजिकल एक्सकर्शन जो लेबर किया एंड बदले में वेजेज एंड सैलरीज रिसीव किया देन वी हैव कैपिटल मनी मशीन में इन्वेस्ट किया एंड द एंटरप्राइज द एंटरप्राइज इज अ पर्सन हु इज रनिंग दीज वो ओरिजिनली है वहां से जब सस्ते में मिलेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे जाके बेनिफिट अपने बेनिफिट के लिए मल्टीनेशनल कंपनी गुड प्रोड्यूस करेगी या फिर प्रोबेबली ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर में है जैसे मैम अब मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहती हूँ बहुत सारी मल्टी नेशनल जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। जी और वाई पर्टिकुलरली इंडिया व्हेन वी टॉक अबाउट इज इट अबाउट द नंबर ऑफ स्किलोसीजर टू स्टार्ट अजनेटिवली 91 से पहले सिचुएशन कंपैरेटिवली डिफरेंट थी बट 91 के बाद आफ्टर फॉलोइंग द एलपीजी पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी कंट्री ने ईज ऑफ बिजनेस स्टेप बाय स्टेप काफ़ी बेटर किया एंड प्रेजेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज इन फेवर ऑफ प्रोड्यूसर हैंस गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है वो उन जगह के लिए फेवर में है जो डिफरेंट uh, कंट्रीज के लिए जो ड्यू प्रोड्यूसर बाहर से आ रही हैं उनके लिए फेवरेबल हो जाता है हेंस वो हमारी कंट्री में आके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं एक तरीका तो है तो आप आके कंट्री के, के अंदर में एक प्लांट एक यूनिट लगाइए एंड वहाँ पे लैंड एंड वेरियस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्वायर कीजिए या फिर जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर इज इंडियन कंपनी जो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्टिंग है उसके साथ एक वेंचर किया जाता है सो दैट मार्केट बेस इंक्रीज हो जाए एंड थोड़ा टाइम भी सेव हो जाए लाइक फॉर एग्जाम्पल विस्तारा टाटा एंड सिंगापुर एयरलाइंस का एक जॉइंट वेंचर है एंड इज वर्किंग रियली वेल स्टारबक्स

मुझे आपकी बेस कंट्री में आके अगर कंट्री में कंपनी लगानी है आपके पास ऑलरेडी लैंड है आपके पास मशीनरी है आपके पास नो हाउ है ऑल्सो आपके पास में वो स्किल्ड लेबर है जो ऑलरेडी आपने एम्प्लॉय किया हुआ है तो थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी रीवैम्पिंग एंड बेटर कैपिटल के साथ में इफ़ वी बोथ वर्क टुगेदर डेफिनेटली आपका और मेरा दोनों का बेनिफिट होगा आपका सेल बढ़ेगा मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा तभी हम ये जॉइंट वेंचर रन कर पाएंगे एन एफ आई सी की एक पर्टिकुलर लैंड को लेकर कंप्लीट अपनी आइडियोलॉजी के साथ ही मुझे अपना बिजनेस रन करना है और मुझे उस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना जो ऑलरेडी कंट्री में रन कर रहा है इन दैट केस आई गो फॉर अजनेस एंड विल स्टार्ट माई ओन कंपनी देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वो पर्टिकुलर कंपनी उसी तरीके से ऑपरेट करती है प्रोड्यूसर एंड सेलर हमने बात की दोनों को फायदा हो रहा है सेलर को फायदा हो रहा है जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कंज्यूमर को फायदा हो रहा है जब वो ज़्यादा वैरायटी मिल पा रही है ज्यादा वैरायटी देख पा रहा है मार्केट में एंड उसे अपना पैसा भी कम लगाना पड़ रहा है फॉर एग्जांपल अगर एक लोकल शू एंड एक इम्पोर्टेड शू में इम्पोर्टेड शू बेटर क्वालिटी का सस्ता मिलेगा तो वाई कंज्यूमर नॉट गो फॉर दैट इम्पोर्टेड गुड हेंस लोकल गुड से इम्पोर्टेड गुड का सेल बढ़ गया बिकॉज ऑफ विच इधर लोकल शू मैन्युफैक्चरर विल हैव टू गो फॉर अ रीविंग ऑफ देयर टेक्नोलॉजी विल हैव टू ब्रिंग देयर कॉस्ट डाउन टू इंक्रीज द प्रॉफिट देखिए किसी भी कंपनी में दो चीज़ें हैं एक है टॉप लाइन एक है बॉटम लाइन टॉप लाइन इज उसने जो रेवेन्यू ऑन किया एंड बॉटम लाइन इन इज कॉस्ट बॉटम लाइन कॉस्ट को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस hmm. प्रॉफिट है टॉप लाइन दैट इज रेवेन्यू इंक्रीज कर लेंगे या फिर आप अपना कॉस्ट को कम करेंगे कॉस्ट को कम करेंगे टेक्नोलॉजी बेहतर लेकर सस्ता सामान लेकर प्रोबेबली लेबर ऐसा लेकर जिसको आप कम सैलरी दे रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी से सेम मशीन से ज़्यादा गुड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं दिस इज अनेदर वे आउट देन वी हैव दूसरा तरीका हुआ जब आपका टॉप लाइन बेटर होगा या तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन से जब आप सामान का थोड़ा सा अगर आपने देखा हो बहुत सी जो फूड चेन ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक हैप्पी मील और प्रोबेबली इको इकनो मील काइंड ऑफ कंसेप्टेबल राइट सो वो बेसिकली क्या करते हैं थोड़ा सा प्राइस कम करके उसी प्राइस के अंदर में ज्यादा सामान कैसे बेचा जाएगा उससे उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा एंड अगेन प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा कुछ कंपनीज कंट्री में सेल्स मैक्सिमाइजेशन के साथ चलती हैं कुछ कंपनीज नीच प्रोडक्ट्स जो सेल करती हैं वो प्राइस को इंक्रीज करती हैं ताकि अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सके और मैम जैसे आपने नीच प्रोडक्ट्स यहाँ पर बताएं मैं ये भी चाहूंगी आप हमारे आ, सभी विद्यार्थी वो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जब हम नीच टारगेट करने की बात करते हैं तो उसके क्या माने होते हैं सी नीच टारगेट इज अ प्रोडक्ट विच इज प्रोबेबली प्रोडक्ट विच इज हाई इन वैल्यू ब्रांडेड वैल्यू जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करेंगे या उसको परचेज करेंगे ओन करेंगे तो आपका स्टेटस सिंबल कम्पेरेटिवली बेटर होता है ऐसी वाली चीजों की कीमतें ज्यादा होती हैं hmm. जो नीच प्रोडक्ट hmm. है या फिर ऐसा वाला प्रोडक्ट है जो ज्यादा प्राइज होने की वजह से ही मार्केट में बिक रहा है प्रोबेबली लग्जरी परफ्यूम्स लग्जरी बैग्स ये इसी कैटेगरी में आते हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमें uh, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कम प्राइस पे होने की वजह से ज्यादा बिक रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए बी सी तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट में तभी चूज करूंगी जब वो सस्ता है क्योंकि तीनों प्रोडक्ट मोरोलेस एक जैसे है

यानी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे जो फास्ट मूविंग गुण कंज्यूमर प्रोडक्ट है जी, आ, उनके लिए वो टारगेट नीच नहीं रहता सॉर्ट ऑफ राइट एंड सिमिलरली जब आप ऐसी इतनी सारी देख पा रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ ऑफ वर्ल्ड इज अ फैमिली ग्लोब इज फ्लैट इज बेसिकली हम वहां पे गुड प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे सस्ता पड़ रहा है अब वेरी मच पॉसिबल है अगर मैंने आज अपने नाम की किताब लिखनी है तो उस किताब को लिखने के लिए मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के अपने लैपटॉप लैपटॉप पे काम कर रही इज प्रोबेबली अ मे बी प्रोडक्ट एंड उसका जो एनिमेशन क्रिएट हुआ वो किसी ऐसी कंट्री में हुआ जहाँ पे एनिमेशन का स्पेशलाइजेशन है hmm. ना उसका एडिटिंग करने के बाद में जब वो प्रोड्यूस हुआ या पब्लिश हुआ तो ऐसी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ जहाँ पे पब्लिश करना सस्ता पड़ रहा था और hmm. मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड हमने उसे बेचा तो आपने सामान बेचने के लिए ग्लोब यूज किया लेकिन उसका गुड का जो प्रोडक्ट था वो ऐसी जगह पे जाके प्रोड्यूस किया जहाँ पे हमें सस्ता पड़ रहा था दिस विल कॉस्टिंग कम आ रही थी, कम आ थी लेबर चीप थी एग्जैक्टली ओके सो दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज दिस इज ऑन योर स्क्रीन दिस इज अ प्रोसेस वेयर वी आर इंटीग्रेटिंग एंड इंटरकनेक्टिंग

we can say that uh, jo globalization hai wo producer aur consumer dono ko impact karta hai hmm. producer jo local hai usko bhi competition बढ़ गया hmm. अब उसे market में खुद को sustain करने के लिए कम प्राइस पे सामान बेचना पड़ेगा क्योंकि वैरायटी बढ़ गई है मार्केट में बिल्कुल और इसी तरह से फॉरेन प्रोड्यूसर को एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनकी मार्केट बढ़ गई अब बहुत सी इंडियन कंपनीज इसी ग्लोबलाइजेशन के चलते मल्टीनेशनल हुई थी जब मल्टीनेशनल कंट्रीज में हमारी कंट्री के अंदर में सामान लेकर आया गया था नाउ ग्रेटर चॉइस मिलती है कंज्यूमर को और कंज्यूमर बेटर क्वालिटी एट लोअर प्राइसेस एंजॉय कर सकता है आज की तारीख में लोग जो है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एन्जॉय कर पाते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बिकॉज आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन प्रोडक्ट विच इज मेड इन इंडिया अब वो मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा इंडिया में ही बना है उसके अंदर भी इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो सकता है बाहर से आइए Right. But India ka product is comparatively better because of technology factors of production which are integrated, which are brought in by that multinational company. इन देअर वे ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग गुड ओके राइट तो मैम यहाँ पर तो हमने ग्लोबलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और जी. उसका क्या प्रभाव होता है खासतौर पर भारत पे जी. आ, ये भी हमने समझ लिया द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इन पर्टिकुलर लेकिन जब हमें इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लास रूम्स में समझाना है जो हमारे अध्यापक भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो एज इट इज़ अ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉटेंट एस्पेक्ट Right. और इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है भिल्कुर. तो क्लासरूम में हाउ टू रीच इट और मेक इट मोर इजी फॉर ऑल द द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन लेक्चर मेथड में हम सिर्फ क्लास में जाते हैं और ये सारी की सारी कहानी सुनाते हैं इंडिपेंडेंस well. in से लेकर 1991 तक का क्या प्रोसेस रहा क्या टाइमलाइन था जो हम ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचे 91 में हमारे लिए कंपलसरी था कि हमने ग्लोबलाइजेशन को अडेप्ट करना ही करना है ज कंट्री के पास में सिर्फ टू वीक्स का पेमेंट बचा हुआ था जो हम इम्पोर्ट जो निर्यात कर रहे थे जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमने लेने थे उसका पेमेंट करने के लिए तो आईएमएफ से लोन लेते समय हमारे पास कंडीशन थी कि हमने एलपीजी पी दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉम्बिनेशन अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करना है hmm. तो वो एक टाइमलाइन स्टोरी की तरह क्लास में सुनाया जा सकता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly कि इंडिपेंडेंस से लेकर हम 1991 तक इस सिचुएशन में पहुंचे नाउ व्हाट वी डिड इन वेरियस क्लासरूम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन हमने क्या किया बच्चों को एक तरीके से uh, एक असाइनमेंट एक समर असाइनमेंट दिया कि आपने नाइनटीन uh, इंडिपेंडेंस uh, से लेकर नाइन्टी वन तक का स्टोरी इन फॉर्म ऑफ थिएटर आपने प्रेजेंट करना है कि आप जी क्यों इंप्लीमेंट करना चाहते हो नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अ क्लास रूम वेयर देर इज अ पर्सन इन द क्लास देर इज स्टूडेंट ऑफ द क्लास हु इज फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री who pretends to be the RBI governor and then answers on chair why I want to have this globalization, why should I open up for the rest of the world. This could be a theater way of doing it. Then uh, same way कुछ students इसको comic strip की form में present करते हैं कि अगर हम globalization ले कर आते हैं उसका impact क्या होगा. आप 1991 में खड़े हैं और 1991 में आप सोच रही हैं आपको समझ आ रहा है कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है लोकल कंपनीज के साथ जब हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन होगा तो ग्लोबलाइजेशन के साथ में कंपटीशन तो बढ़ेगा कुछ कंट्रीज़ कुछ कंपनीज़ कंट्री की इस कंपटीशन को झेल पाएंगी मल्टीनेशनल हो जाएंगी और बेहतर कर पाएंगे बट कुछ कंपनीज बंद भी तो होंगे तो एक तरीके से जब मल्टीनेशनल कंपनी हमारी कंट्री में आके प्रोडक्शन यूनिट ओपन कर रही है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा अगर हमारी लोकल कंपनीज़ रन नहीं कर पाई इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए प्रोस कॉन्स दोनों किसके लिए गवर्नमेंट के लिए कंट्री के लिए प्रोड्यूसर के लिए ये डिफरेंट वेज से आप क्लास के ग्रुप को डिवाइड किया एक कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है hmm. दूसरा ग्रुप प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरा ग्रुप कंट्री के फिनेंस मिनिस्ट्री को प्रोबेबली गवर्नमेंट रन रूलिंग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्रुप ऑपोजिशन को रिप्रजेंट uh, कर रहा है एंड द डिबेट दे टॉक ऑन क्या फ़ायदा होगा अगर ऐसा किया गया अगर ऐसा नहीं किया गया ग्लोबलाइजेशन डिड वर्क वेरी वेल फॉर मेनी कंट्रीज़ हमारी कंट्री ने फायदा उठाया कोरिया ने फ़ायदा उठाया कुछ हद तक थाईलैंड ने फायदा उठाया वियतनाम ने फ़ायदा उठाया एंड वी आर एबल टू डू रियली वेल ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ एंड राइट नाउ वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनमी ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ कमेंडेबल बट 2008 क्राइसिस के, के बाद में टू के क्राइसिस के बाद में सिचुएशन कुछ तो बदली है? ग्लोबलाइजेशन को डेवलप्ड कंट्रीज़ भी बहुत हद तक इस समय फेवर नहीं कर रही हैंस लोकल से वोकल हम भी तो बात कर रहे हैं तो अगर हम बायलेटरल ट्रेड्स की तरफ जाते हैं वेरियस अदर कंट्रीज़ के साथ में प्रोबेबली हम कुछ हद तक इस सिचुएशन को आ, देख भी पाएंगे उसको वर्ल्ड के बेनिफिट में अपने बेनिफिट में यूज़ भी कर पाएंगे इसके ऊपर में डिबेट्स हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू टी ओ का जो रूलिंग वेरियस कंट्रीज पे डेवलपिंग नेशंस पे और डेवलप्ड नेशंस पे आया उन रूलिंग्स का इम्पैक्ट राइट दैट कुड भी शुड वी टेक इट शुड वी नॉट टेक इट अब सिमिलरली एज अ रूलिंग पार्टी और एज अ ऑपोजिशन सजेस्ट सम स्टेप्स लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रणाम अभी इस समय मार्केट में रूलिंग गवर्नमेंट लेकर आ रही है एंड uh, hmm. uh, उसका इम्पैक्ट प्रोबेबली क्या होगा उस इम्पैक्ट के बारे में आप जब क्लासेस के अंदर बच्चों को सोचने के लिए टास्क देते हैं तो वो जो सोचने वाला टास्क है वहाँ पे हमारा ग्रेड टेन का बच्चा बहुत अच्छे से काम करता है और वेरियस इंफॉर्मेशन जो गूगल पे अवेलेबल है उसके ऊपर रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद में इस डिबेट्स में अपने पॉइंटर्स लेकर आता है दिस इज़ अनदर वे ऑफ डीलिंग ग्लोबलाइजेशन इन द क्लासरूम कॉमिक स्ट्रिप्स हुआ थिएटर हुआ

प्राइस जो है वो उसका थोड़ा हाई किया हुआ है प्राइस उसका थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है मुझे एज अ कंट्री सेव किया हुआ है हुँ. तो टैक्स बैरियर लगाने से इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करने से जो शू हमने बाहर से खरीदा वो महंगा हो गया है। हैंस लोकल गवर्नमेंट जो लोकल शू प्रोड्यूस हुआ डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस हुआ उसको बेच रही है उसको इंक्रीज़ उसका डिमांड इंक्रीज कर पा रही है अब इस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट अगर हम करते हैं तो मार्केट में इस सिचुएशंस हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ में ये सिचुएशन हेल्प आउट भी करते हैं और उन पर्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड सोचने से बच्चा सोचना सीखता है क्रिटिकली बेहतर तरीके से सोच पाता है इट प्रोबेबली might be giving some idea to our teachers as well on how to deal with globalization in the classroom all right and ma'am just a small question jee i'm just a chapter kapura discuss karey a lot year ear khe suna 1991 जी. so it marks uh, I, I think it's, it, it is believed to be a landmark year in the history of india definitely so what were the major steps or the major things that happened in that year सी नाइनटीन में पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लाइसेंस राज और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती थी उस समय इट इज़ नॉट राइट और रॉन्ग इट दिस इज़ अ सिचुएशन विच डिड हैपन इन द कंट्री दैट कंट्री में सोशलिज्म की तरफ सी एक समझ के देखिए एक ऐसी कंट्री जो 200 हंड्रेड ईयर्स के बाद में फ्री हुई है ब्रिटिशर्स से उसको कुछ टाइम तो लगेगा अपने आप को स्टैंड करने के लिए और वो कुछ टाइम जो चाहिए था स्टैंड करने के लिए रूलिंग गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की टैक्स बैरियर्स क्रिएट किए और कुछ मेजर चीज़ों का प्रोडक्शन अपने खुद के हाथ में रखा ताकि वेलफेयर को ध्यान रख सके कम प्राइस के साथ में मार्केट में जो हमारे कंज्यूमर को सामान चाहिए उसको प्रोड्यूस करके दे सकें राइट अब इस रिस्ट्रिक्शन के साथ में अगर हम चल रहे थे तो आ, ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन एक इनफिशेंसी उन लोगों की उन ऑफिस की जो प्रोड्यूस करना था उन्होंने प्रॉफिट बट प्रॉफिट प्रोड्यूस हुआ नहीं hmm. और दूसरा रेगुलेशन बहुत ज्यादा थी अब रेगुलेशन ज्यादा होने की वजह से फॉर एग्जांपल इफ आई एम रनिंग अ कंपनी कंपनी में एक्सपेंशन चाहिए तो मुझे परमिट लेना पड़ेगा फॉर एग्जांपल अगर हमने नया ब्रांच ओपन करना है नया गुड ओपन नया गुड प्रोड्यूस करना है कुछ डाइवर्सिफाई करना है फॉर एवरी थिंग वी था अब उस ईज ऑफ बिजनेस नहीं होने की वजह से बाई नाइंटी सिर्फ इतना कंट्री में नहीं था कुछ कंडीशंस बाहर भी थी आउटसाइड कंट्री भी थी जो हमारे फेवर में नहीं थी जैसे तेल के दाम बहुत बढ़ रहे थे कुछ और सिचुएशंस है गन बियॉन्ड ग्रेट टेन का सिलेबस सो आई कन्फाइन टू इट कि आपका जो इतनी डिफरेंट सिचुएशंस आई हमारी कंट्री के पास में टू वीक्स का पेमेंट के लिए पैसा था हेंस वेन वी डिड टेक लोन फ्रॉम आई एम एफ फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सिस आउटसाइड इंडिया हमारे पास एक कंडीशन थी कि हमने लिब्रलाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस को कम करना प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट पीपल प्राइवेट पर्सोनल को जो वेरियस गुड्स एंड सर्विस जिसके ऊपर अब तक रिस्ट्रिक्शन थी उनको प्रोड्यूस करने देना and globalization that is will open up the gates for the rest of the country ki multinational companies hamari country me goods produce or and similarly hum bhi pahar ki countries mein jaake, apne pair phaila sake zyada good produce kar sake and apna market form increase kar sake. of course of Ji. course and it was an interesting conversation regarding globalization in today's uh, scenario and it is very important to understand the history so that we can uh, make our present even better right. thank you so much ma'am thank you so for much for being a part of the conversation and uh, sharing all these important uh, details explaining them at length to all our viewers thank you thank you ma'am and uh, thank you to all the viewers who have connected with ncr for this particular live interactive session of Social science and before wrapping up the discussion, here is an important piece of information for all of you regarding the availability of NCRT textbooks. The information is also flashing as a ticker on your screens. So NCRT textbooks for the academic year 2023 to 2024 they are available all across the country. The textbooks may be purchased directly from NCRT sales counters that are located at different locations within the country. Also, you can place an order online for NCRT textbooks through www.ncrtbooks.ncrt.gov.in. And also, if you would like to download the soft copy or the PDF version of NCRT textbooks, it can always be done through ePartshalam, Deeksha platform and also through the number of mediums available. To explore more about the authorized vendors, you all know the website of NCRT would be www.ncrt.nic.in. Once again, a word of thanks to all of you for connecting with us in this live session. Next up, we have a session of mathematics for all class 10th students, where we will be elaborating more on linear equations in two variables, part second. So, stay tuned and keep watching Evidya channels. Namaskar.